हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावनी स्टडी पॉइंट। आज डे 3 की सीरीज़ में हम अपना टॉपिक लेंगे मल्टीप्लिकेशन। कैसे हम 2-डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स। आप कोई भी रैंडम 1, 2, 99 मतलब 2-डिजिट नंबर्स को पिक करिए, कोई भी आप ले लीजिए। आपने सपोज लिया 92 मल्टीप्लाई बाय 95, ये कैसे आप निकालेंगे। आपने सपोज ले लिया 85 इंटू 24, ये कैसे आप निकालेंगे। तो इसके बेसिकली दो मेथड होते हैं, वो दोनों मेथड को आप समझिएगा और आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर जब हो जाएगा और आप प्रैक्टिस करेंगे, देन ऑटोमेटिकली आप मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने दिया है टाइप 1 मेथड, दैट इज़ डिजिट नियरेस्ट टू 100। अगर कोई आपका मल्टीप्लिकेशन पूछा जा रहा है और उसकी जो डिजिट्स आपको दो दे रखी हैं वो 100 के आसपास हैं कहीं, लाइक नियरेस्ट टू 100, तो आप उसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ़ आप 100 से नियरेस्ट आपको वो डिजिट नहीं दिख रही है, देन ये मेथड अप्लाई करना उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। उसी के लिए हम टाइप 2 मेथड को पढ़ेंगे, जो किसी भी डिजिट को, किसी भी दो डिजिट को वो बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर देगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है 92 इंटू 95। तो अब हमें इसमें देखना क्या होता है ना, कि यहाँ लिखा है डिजिट नियरेस्ट टू 100, तो मतलब 100 से कितना पास है ये 92 और 95। तो अगर आप 100 में माइनस करते हो 8 को तो कितना आता है 92, और आप 100 में माइनस करते हो 5 को तो कितना आता है 95। ठीक है, तो आपको यही लिखना है, 100 में आप 8 माइनस करोगे तो 92 आएगा, 100 में आप 5 माइनस करोगे तो 95 आएगा। अच्छा, अब आपको सॉल्व कैसे करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे आसानी से निकालना है। वो तरीका ये होता है कि पहला काम आपको इस आंसर की यूनिट प्लेस निकालने के लिए, जो ये माइनस 8 और माइनस 5 आपने किए हैं ना, आप इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आप इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 8 फाइव ज़ा फोर्टी। ओके, और अगर आप देखो ध्यान से तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे अगर आप क्रॉस में देखो तो 92 माइनस 5 करोगे तो भी देखिए डिफरेंस आ रहा है 87, और अगर 95 माइनस 8 करोगे तो भी डिफरेंस आ रहा है 87, राइट। तो अब ये 87 जो डिफरेंस सेम आ रहा है 92 माइनस 5 करने पे भी, 95 माइनस 8 करने पे भी, वो 87 को आप यहाँ लिख दोगे। आपका आंसर 92 इंटू 95 का आ गया। कितना सिंपल तरीका था। शायद ये पहली बार अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब आप नेक्स्ट देखोगे तो आपको और क्लियर होगा आपका विज़न। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है 93 इंटू 97। अब हम इस पर करके दिखाते हैं, ठीक है। इस पर जब हमने देखा था 93 और 97, तो मैंने क्या कहा था, 100 से नियरेस्ट, 100 से कितना दूर है ये माइनस 7, और ये 100 से कितना दूर है माइनस 3। सिंपल, आपने ऐसे बॉक्स बना दिया कि आपका यहाँ आंसर अब लिखा जाएगा, राइट। अब माइनस 7 और माइनस 3 100 पे रीच करने के लिए थे, तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 7 3 ज़ा 21, ठीक है। और 93 में से 3 का डिफरेंस कितना होता है 90 होता है, और 97 में से भी 7 का डिफरेंस कितना होता है, सेम 90 होता है। तो आप ये 90 जो डिफरेंस सेम आया दोनों में, उस 90 को यहाँ लिख दोगे, आपका आंसर आ गया 93 इंटू 97 विल बी 9021। आप कैलकुलेटर से निकाल के देखिए, आपका आंसर यही ही आएगा। ये बहुत ही मैजिकल ट्रिक है, अगर आप एक बार समझ गए और आपने प्रैक्टिस कर ली 2-4 क्वेश्चन की, तो ये आपका चुटकियों में हो जाएगा। अब आइए देखते हैं और थोड़ा सा, और एक लीजिए। जैसे सपोज मैंने लिया 91 इंटू 89, राइट, 91 इंटू 89। अब 91 इंटू 89 में क्या करेंगे हम लोग, 91 इंटू 89 में हम करेंगे कि 100 से ये कितना है
माइनस नाइन की दूरी पे है और ये कितना माइनस इलेवन की। सेम पैटर्न सेम तरीका कुछ चेंज नहीं। इलेवन नाइन जो 99 राइट, और 91 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ रहा है 80 आ रहा है, और 89 माइनस 9 करोगे तो कितना आ रहा है 80। तो आंसर क्या आ गया आपका 8099। अब शायद आपको ये टाइप वन का मेथड तो समझ में आया होगा। इफ़ इन केस आपको नहीं समझ में आया तो ये जो तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये तीनों 92 इंटू 95, 93 इंटू 97 एंड 89 इंटू 85 भी लिया है, इन सब का सोल्यूशन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से समझिए, 92 से कितना रीच 100 की रीच करने के लिए था माइनस 8, और 95 से 100 माइनस 5। आपने क्या किया, डिफरेंस देखा इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट इज़ 87। सबसे पहले हम पीछे से शुरुआत करते हैं हमेशा अपने आंसर को लिखने की, अपनी डिजिट को। तो 85 40 एंड 95 में माइनस 8 किया तो 87, 92 माइनस 5 किया तो 87 और 87। हेयर योर आंसर विल बी 8740। सिमिलरली मैंने बताया था 93 इंटू 97 का, उसमें भी अगर आप देखो तो 93 माइनस 3 इज 90, 97 माइनस 7 इज 90, और यहाँ 7 और 3, 7 3 जा 21 एंड इनका डिफरेंस 90। आंसर रेडी। अब ये थर्ड वाला भी देखो, 89 इंटू 85। अब देखो यहाँ तो सिंगल सिंगल डिजिट में तो आसानी से हो गया, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड हुआ क्या वो देखिए, कॉम्प्लिकेटेड ये हुआ कि यहाँ आपका 89 है और यहाँ 85 है, राइट। अब हुआ क्या कि 89 में अगर आप देखो 100 से कितनी दूरी है तो माइनस 11 की है, और 85 से कितनी है माइनस 15 की है, ठीक। अब आप सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंस देखने का। तो हमने डिफरेंस देखा तो कितना आ रहा है 74 आ रहा है, राइट। अब आपका काम पहला क्या है आंसर निकालने के लिए, कि आप 11 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे। तो सर जब आपने 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट द आंसर 165। यानी अब यूनिट डिजिट भी है, टेंस डिजिट भी है और 100 डिजिट भी है, लेकिन आप तो यहाँ टू डिजिट पे चल रहे हो, तो आप इस वन का क्या करोगे। टू डिजिट्स तो आपने लिख दी 65, बट व्हाट अबाउट दिस वन। इस वन को आप कैरी ले लोगे, जो डिफरेंस आपने निकाला है यहाँ का, डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 89 माइनस 15 विल बी 74, 85 माइनस 11 विल ऑल्सो बी 74। तो 74 और 165 का खेल चल रहा था, लेकिन क्योंकि दो डिजिट है तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ दो डिजिट ही लेके चलेंगे। तो इस वन को क्या करेंगे, हम इस वन को कैरी करवा देंगे 74 में। तो 65 तो एज इट इज़ रहा, और जब ये 174 में कैरी हो गया तो कितना हो गया 75। तो आंसर यहाँ कितना आ गया 7565। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ेंगे अपने टाइप टू की ओर। टाइप टू में क्या होता है कि टाइप वन में हमने देखा कि जो 100 के पास हो उस पर हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है, उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया। बट अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ दे रखा है ये 89 इंटू 24। 89 तो चलो 100 के पास है, माइनस 11 कर दिया, बट 24 का अगर आप करोगे 100 से तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी, और आपका क्वेश्चन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे बेटर आपको लगेगा कि आप सिंपल कर लो, राइट। लेकिन नहीं, हमको अपना कॉन्सेप्ट पे फोकस देना है कि ये तरीका ना लगा के अब हम टाइप टू मेथड लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि टाइप टू मेथड क्या होता है। टाइप टू मेथड में ना स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। अब वो स्टेप्स समझना, वो स्टेप्स ये होते हैं आपके। पहला स्टेप जो होता है उसमें आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे दिया है आपका 89 और 24, ठीक है, ये आपकी क्या होता है, ये आपकी यूनिट डिजिट का काम करती है, ये आपकी टेंस डिजिट का काम करती है, राइट। आप क्या करोगे, सबसे पहले दो यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करा दोगे, राइट। आपने 9 इंटू 4 किया कितना आया 36। तो आपके पहले स्टेप, अब यहाँ आंसर जो है ना 89 इंटू 24, इसको ऐसे लिखोगे, वन सेकेंड, 89 इंटू 24 तो ये 9 4 जा 36, तो आपका
जो आंसर आ रहा है उसका यूनिट प्लेस तो आ गई 36। ठीक, सेकंड स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, राइट। अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, आपका जो सेकंड स्टेप होगा उस स्टेप में आप क्या करोगे, आपका जो सेकंड स्टेप होगा उस स्टेप में आप क्या करोगे कि 8, 9, 2, 4 और फिर आप कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इनको ऐड, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 9 जा 18, 32 प्लस 18 इज 50, राइट। और अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, 50। अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया है, अभी ये स्टेप्स हैं, ये सेकंड स्टेप था आपका, अब आ गया 50। पीछे से ही हम आंसर्स लिखते हैं, राइट। अब आ गया 50, ओके। अब हम देखेंगे अपना थर्ड स्टेप, जस्ट सेकेंड, पहले वाले का क्या आ रहा था 36, दूसरे वाले का क्या आ रहा था 50, राइट। अब थर्ड स्टेप जो देखेंगे हम, उसमें क्या करेंगे, उसमें दिया हुआ है कि 89 इंटू 24। पहले हमने क्या किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया था, फिर हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, और अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 8 2 जा 16, और यहाँ 16 आपका आ गया। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ आप ये, क्या ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, क्या 89 इंटू 24 ये होता है, नहीं ये नहीं होता है इसका आंसर, इसको आपको फाइनल रिजल्ट में सॉल्व करना होगा। कैसे, जब आपने 9 इंटू 4 36 किया था तो आप यहाँ हमेशा इसकी कौन सी प्लेस लिखोगे, यूनिट प्लेस लिखोगे, यानी 6 को, तो 6, ये 3 का क्या होगा, ये 3 आपका इधर जो है चला जाएगा, यानी कैरी हो जाएगा, तो 50 में 3 को ऐड किया तो कितना आया 53, तो यहाँ 3 लिखा, अब यहाँ कैरी कितना गया 5, और 16 प्लस 5 क्या होता है 21, ये आपका आंसर आ गया। अभी शायद लग रहा होगा डिफ़िकल्ट, मैं बार बार वही बात बोल रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करोगे और नंबर्स को लोगे, यही मेथड लगाओगे, तो आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। और देखिए, और करते हैं, अब मैं जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ कोई और, 75 इंटू 37 यहाँ दे रखा है, यही लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ दे रखा है 75 और 37। ठीक, पहला स्टेप हमारा क्या था, फाइनल रिजल्ट अभी नहीं निकल रहा है, पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप ये था कि हम इसकी यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 5 को और 7 को, तो कितना आ रहा है 35। अब आप ज़रूरी नहीं है इसको पूरा लिखें, इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको करना, राइट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद आया, तो ऐसे अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे ताकि हम समझ जाएं क्रॉस, तो ऐसे और ऐसे, तो 7 7 जा 49 प्लस 3 5 जा 15, तो यार आंसर विल बी 64, ठीक है, तो ये कितना आ गया 64, ओके। अब ये 64 आपने कहाँ लिख दिया, इसके पहले, ठीक, अच्छा। अब क्या करना है, अब हम देखेंगे यूनिट डिजिट को, यूनिट डिजिट मतलब 7 और 3, तो 7 3 जा 21, तो ये आपका आ गया 21। क्या ये आपका फाइनल है आंसर, नहीं, फाइनल आंसर कैसे निकलता है, कैरी वाला हमको पार्ट याद रखना है कि 35 की हम सिर्फ यूनिट प्लेस ही लिख सकते हैं, और ये जो 3 है ना आपका, ये कैरी चला जाएगा, तो 64 में आप 3 को ऐड कर दोगे तो 67 हो जाएगा, 67 की यूनिट प्लेस लिखोगे तो 7 लिखोगे, और 6 क्या होगा आपका, इधर कैरी चला जाएगा, और 21 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो यू विल गेट द आंसर 2775, यहाँ से आपका ये आंसर निकल आया, राइट। अब आप एक बार वापस से पीछे जाइएगा और फिर से एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका
आंसर जो है वो विद इन अ सेकेंड्स निकल आएगा, और आपको आपके कम्पिटिटिव कोई भी कम्पिटिटिव हो, इधर वो SSC हो, बैंक हो, रेलवेज हो, कोई भी हो, उसमें मल्टीप्लाई करने में किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट को भी आसान होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे तीन डिजिट्स को भी, आप कोई भी तीन डिजिट्स को लाइक 1 से 1000 तक की कोई भी डिजिट को आप कैसे मल्टीप्लाई कर पाओगे। ओके, तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।